करीब 20 दिन पहले कन्नौत के बीज व्यापारी मनमोहन सिंह यात्री बस से इंदौर जा रहे थे। इसी बस में कृषि विभाग के सेवानिवृत्त के एस तड़वाल भी सफर कर रहे थे। इंदौर उतरते वक्त श्री सिंघी का पर्स बस में ही गिर गया, जिसमें करीब 13,000 रुपए तथा एटीएम कार्ड सहित अन्य दस्तावेज थे। उक्त पर्स श्री तड़वाल ने उठाकर अपने पास रख लिया। पर्स में रखे कागजातों के आधार पर पता चला कि यह पर्स कन्नौत के मनमोहन सिंघी का है। उन्होंने पर्स की सूचना भेजी। पर्स मिलने पर स्थानीय महेश्वरी समाज द्वारा उनकी ईमानदारी को लेकर कथावाचक सुश्री वर्षा जी नागर की उपस्थिति में श्री तड़वाल का महेश्वरी भवन में शाल श्रीफल से सम्मान किया। यह ज्ञात रहे कि एक माह पूर्व बस में सफर के दौरान श्री तड़वाल की पुत्री शिक्षिका ज्योत्सना तड़वाल को भी पर्स मिला था। उक्त पर्स संबंधित व्यक्ति को एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के समक्ष वापस लौटा दिया गया था। शिक्षिका ज्योत्सना तथा उनके पिता के एस तड़वाल की ईमानदारी की सभी और प्रशंसा की जा रही है। कन्नौत से कमल गर्ग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन सिंह है और मैं कन्नौत में रहता हूँ। अच्छा, आपके साथ जो पर्स घुमा वो क्या घटना हुई, थोड़ा बताएं विस्तार से। आज से करीब 20-25 रोज पहले मैं श्री शक्ति बस से इंदौर जा रहा था। मेरे मामा जी का देहांत हो गया था, उनकी गमी में जा रहा था मैं, और इंदौर के आसपास मेरा पर्स गिर गया। और मुझे जाके जब मैं वहाँ पहुँचा, जब पता लगा, तो मैंने अपने स्तर से सब प्रयास करा, पर वो पर्स मुझे नहीं मिला। बाद में उनके जमाई के माध्यम से मुझे पता लगा कि वो पर्स हमारी गांव के श्री तड़वाल साहब को मिला और वो सुरक्षित है। उसमें मेरे कम से कम 12-13 हज़ार रुपये थे और मेरे बैंक के एटीएम कार्ड, आई कार्ड, सही बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे। वो जब मुझे ये खबर लगी तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रहा कि इस ज़माने में भी ऐसे ईमानदारी की मिसालें जिंदा हैं। मैं तड़वाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। उसके बाद मैं उनकी ईमानदारी देखने के बाद हमारे महेश्वरी समाज ने श्री वर्षा जी नागर, जो कथावाचक है, उनके हाथों से श्री तड़वाल साहब का सम्मान भी करा और मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या नाम है आपका? के एस तड़वाल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आगर मालवा। वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, जो कि कन्नौज से इंदौर जा रहा था बस में, मुझे पर्स मिला। वो सिंघी जी का पर्स था। उसको देखा, देखने के बाद समझ में आया मेरे को कि ये कन्नौज का निवासी है। वो पर्स मेरे पास रखा और फिर बाद में मेरे जो भाई साहब को उनके घर पे भेजा और उनसे फोन से बात की। वो पर्स पाके समाचार सुन के सिंघी जी बहुत खुश हुए कि चलो मेरा पर्स मिल गया है। उसमें लगभग 12,000 रुपए राशि थी, फोटो परिचय पत्र बच्चों का भी था, उनका स्वयं का भी था, और एटीएम कार्ड भी था, पैन कार्ड भी था, सभी चीजें थी उसमें। जो मैंने कल अपने महेश्वरी धर्मशाला में जो प्रवचन कथा चल रही थी, उसमें उनको सिंघी जी को पर्स और रुपए सहित मैंने दे दिए। देने के बाद मुझे साल और श्रीफल से नवाजा गया और भविष्य में मैं ये उम्मीद करता हूँ किसी को भी किसी चीज, कोई चीज मिले, उसको ईमानदारी से उसको वापस की जाए, यही कहना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।